वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी क्रू। इस वीडियो में हम निबोश आईजीसी आईजी1 लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 16 को देखेंगे और इसमें हम एलिमेंट 3.7 और एलिमेंट 3.8 को कवर करेंगे। और जो सब टॉपिक्स हम इस वीडियो में देखेंगे दोज आर परमिट टू वर्क सिस्टम, एमरजेंसी प्रोसीजर्स एंड फर्स्ट एड अरेंजमेंट्स हैं। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 15 तक एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3.6 तक हमने कवर किया है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो इसी प्लेलिस्ट में स्क्रॉल डाउन करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। देयर इज अ प्रीलिमिनरी नोट, द मेन पर्पस ऑफ दिस निबोश आईजीसी आईजी1 लेक्चर सीरीज इज जस्ट टू कन्वे द नॉलेज, नथिंग मोर देन दैट। एंड देयर इज अ स्पेशल रिक्वेस्ट, इफ यू आर फाइंडिंग दिस कॉन्टेंट हेल्पफुल डू कॉमेंट ऑन द वीडियोज एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। तो देखते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, एक्सप्लेन द रोल फंक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ परमिट टू वर्क सिस्टम। तो बेसिकली परमिट टू वर्क सिस्टम क्या होता है इसको हम डिटेल में देखेंगे। 3.7 हमारे पास ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हमारा। एंड देन डिस्कस टिपिकल अरेंजमेंट्स एंड प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड हाउ टू डिसाइड व्हाट लेवल ऑफ फर्स्ट एड इज नीडेड इन द वर्क प्लेस। तो बेसिकली 3.8 में हम फर्स्ट एड को कंप्लीटली कवर करेंगे और एमरजेंसी प्रोसीजर्स के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एलिमेंट 3.7, दैट इज वर्क परमिट सिस्टम या परमिट टू वर्क सिस्टम। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। वर्क परमिट इज अ डॉक्यूमेंटेड पीस ऑफ पेपर फॉर्मुलेटिंग सेफ्टी प्रोसीजर्स एंड इट इज एन पार्ट ऑफ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। परमिट टू वर्क इज ऑल्सो ऑथोराइजेशन अ पर्सन आर अ ग्रुप टू परफॉर्म मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन आर कंस्ट्रक्शन वर्क। तो लंबी सारी डेफिनेशन थी। बेसिकली परमिट टू वर्क सिस्टम क्या होता है, इट्स अ डॉक्यूमेंटेड पीस ऑफ पेपर फॉर्मुलेटिंग सेफ्टी प्रोसीजर्स। ये एक सिस्टम है, एक पेपर है जो कि सेफ्टी प्रोसीजर्स को फॉर्मुलेट और इंप्लीमेंट करवाता है। बेसिकली परमिट टू वर्क सिस्टम एक रिटन ऑथोराइजेशन होती है टू अ पर्सन, एक बंदे को या फिर एक ग्रुप को, फॉर कैरियंग आउट मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन या फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी किसी भी वर्क प्लेस या फिर स्पेसिफिकली ऑयल एंड गैस के प्लांट में। परमिट टू वर्क सिस्टम या किसी भी केमिकल प्लांट में परमिट टू वर्क सिस्टम इंप्लीमेंटेड होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी काम करना है वो कंट्रोल बोर्ड के नोटिस में होना चाहिए, कंट्रोल रूम में नोटिस में होना चाहिए, जो साइट पे वहां पे बाकी के बंदे काम कर रहे हैं उनके नोटिस में होना चाहिए, मैनेजमेंट के नोटिस में होना चाहिए। तो ये एक रिटन ऑथोराइजेशन होती है कि किस मशीनरी, किस इक्विपमेंट, किस पाइपलाइन, किस सेक्शन में काम करना है सो दैट कोई मेजर इंसिडेंट एक्सीडेंट जो है वहां पे ना हो। ऐसा ना हो कि एक कंप्रेसर है उसके ऊपर बंदे काम कर रहे हैं और उसी कंप्रेसर को कोई बाई चांस या गलती से उसको ऑन कर दे। इन सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए सेफ्टी प्रोसीजर्स बनते हैं और उनको फॉर्मुलेट करने के लिए वर्क परमिट सिस्टम जो है उसको इंप्लीमेंट करवाया जाता है। नेक्स्ट इज, इट इज एन एसेंशियल डॉक्यूमेंट दैट कैटेगोरिकली स्पेल्स आउट टास्क। इसमें टास्क के बारे में बताया जाता है, इक्विपमेंट इन्वॉल्व्ड, काम में कौन कौन से इक्विपमेंट इन्वॉल्व होंगे उनके बारे में बताया जाता है, टाइम लिमिटेशंस, कितनी देर के लिए इस साइट के ऊपर, इस इक्विपमेंट के ऊपर, इस पाइपलाइन के ऊपर काम होना है वो नोट किया जाता है। प्रीकॉशनरी मेजर्स जो है वो आइडेंटिफाई करके परमिट इश्यूअर जो है उसके ऊपर लिखता है, एंड लाइकली हैजर्ड्स, जो उनसे हैजर्ड्स वहां पे पॉसिबल होते हैं जिनसे इनकाउंटर हुआ जा सकता है वो भी मेंशन किए जाते हैं। तो ये एक डिटेल्ड प्रोसीजर है, एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, फॉर्मुलेट करता है सेफ्टी प्रोसीजर्स को। डिफरेंट वर्क परमिट्स होते हैं, जैसा कि हॉट वर्क परमिट, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स पे काम करने के लिए परमिट चाहिए होता है, कन्फाइंड स्पेस एंट्री के लिए परमिट चाहिए होता है, ऑपरेशनल पाइपलाइन के लिए परमिट चाहिए होता है, एक्सकावेशन नियर बॉडी सर्विसेज के लिए, एक्सकावेशन के लिए परमिट चाहिए होता है, कम्प्लेक्स मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए जैसा कि क्रेन लिफ्टिंग है, फोकलिफ्ट से मटीरियल ट्रांसफर है उसके लिए परमिट चाहिए होता है। तो बेसिकली हर कंपनी के अपने वर्क परमिट प्रोसीजर्स होते हैं, कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं। सऊदी अरामको के अलग परमिट सिस्टम है, एडनॉक का अलग परमिट सिस्टम है, तो हर कंपनी के नंबर ऑफ परमिट्स भी डिफरेंट होते हैं, परमिट इशुइंग, परमिट क्लोजिंग, परमिट रिसीविंग प्रोसीजर जो है वो भी डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले परमिट इशू करवाया जाता है, आफ्टर दैट परमिट के ऊपर काम किया जाता है और देन परमिट को क्लोज किया जाता है। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है परमिट के ऊपर काम करने का। तो इशू में देख लेते हैं, डिटेल्स ऑफ द वर्क, लोकेशन, डेट, टाइम, ड्यूरेशन, हैजर्ड, आइसोलेशन, कंट्रोल मेजर, पीपीज, ये सारी चीजें इशू के टाइम के ऊपर इश्यूअर परमिट के ऊपर मेंशन करता है। नेम एंड सिग्नेचर ऑफ ऑथोराइज्ड पर्सन इशूइंग द परमिट। अब परमिट इशू कौन करता है, प्लांट अथॉरिटी हो सकती है, हायर ऑफिशियल हो सकते हैं, सुपरवाइजर इंजीनियर लेवल का बंदा जो कि कंट्रोल रूम में बैठता है, जिसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, वो परमिट इशू करता है। ये सारी चीजें मेंशन करने के बाद वो परमिट के ऊपर साइन करके वर्कर्स को ऑथोराइज करेगा काम करने के लिए। आफ्टर दैट रिसेप्ट,
नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द परमिट रिसीविंग द परमिट। अब जो बंदा परमिट रिसीव कर रहा है बेसिकली उसे परमिट रिसीवर बोलते हैं, ये अपनी टीम के बिहाफ के ऊपर परमिट रिसीव कर रहा होता है, इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो ईश्वर ने उसके ऊपर प्रिकॉशंस कंट्रोल मेजर या जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं साइट पे उनको फुलफिल करवाना इंप्लीमेंट करवाना इस परमिट रिसीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। परमिट इश्यू होने के बाद वर्क कैन स्टार्ट नाउ, अब पर काम स्टार्ट किया जा सकता है। उसके बाद काम कंप्लीट होने के बाद क्लियरेंस एंड रिटर्न टू सर्विस, परमिट इज साइंड बैक टू कंफर्म वर्कर्स जो वर्क था वर्क इज फिनिश्ड, जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब काम कंप्लीट होने के बाद परमिट रिसीवर जो है वो सिग्नेचर करेगा कि मैंने परमिट क्लोज करना है, मैंने काम एक्टिविटी कंप्लीट कर लिया, हाउसकीपिंग हो गई है, मटेरियल वापस ट्रांसफर शिफ्ट हो गया है, वर्कर सेफली एरिया से बाहर आ गए, परमिट क्लोज करना है। कैंसिलेशन ऑफ परमिट, परमिट साइंड एंड एक्सेप्टेड एरिया बैक अंडर द नॉर्मल ऑपरेशन। आफ्टर दैट सेम इश्यूअर साइट विजिट करेगा, जाके सारी चीजों को इंस्पेक्ट करेगा और आफ्टर दैट परमिट को क्लोज कर देगा और जो भी इक्विपमेंट होगा दोबारा ऑपरेशन में ले लिया जाएगा। एंड एक्सटेंशन इफ नेसेसरी, अगर काम कंप्लीट नहीं हुआ तो सेकंड शिफ्ट में एक्सटेंशन करवाई जाती है परमिट की। अब ये भी कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि नया परमिट अगली शिफ्ट में आएगा या सेम परमिट के ऊपर न्यू रिसीवर और न्यू इश्यूअर आके साइन करके प्रिकॉशंस को सेकंडली वेरीफाई करके दोबारा से वहीं से काम स्टार्ट करा देंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी, परमिट रिसीविंग, परमिट के ऊपर काम करना, परमिट कैंसिलेशन और परमिट रिन्यूअल के या परमिट एक्सटेंशन के जो प्रोसीजर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ये बेसिकली कहानी थी कि परमिट के ऊपर किस तरह से काम होता है या परमिट की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे, एलिमेंट 3.8 एमरजेंसी प्रोसीजर्स एंड फर्स्ट एड को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट में हम देखते हैं ग्रुप एक्सरसाइज है, व्हाट एमरजेंसीज कुड अकर अदर देन फायर, कौन कौन सी एमरजेंसीज हो सकती हैं फायर के अलावा। नेक्स्ट स्लाइड पे इसका आंसर है द नीड ऑफ एमरजेंसी प्रोसीजर्स, व्हाई डू वी नीड एमरजेंसी प्रोसीजर्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि एमरजेंसी प्रोसीजर्स क्यों रिक्वायर है। बिकॉज डिस्पाइट ऑफ ऑल द प्रिकॉशंस यू टेक थिंग्स कैन स्टिल गो रॉन्ग। देखिए आप जितनी भी एहतियात कर लें, लेट्स सपोज दैट एक बंदा रोड के ऊपर जा रहा है, अब वो जितनी भी एहतियात कर ले फिर भी उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। इसका मतलब है कि जितने भी सेफ्टी प्रिकॉशन सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉलो कर लिए जाएं साइड के ऊपर बट स्टिल वहां पे चांस होता है कि कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो सकता है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस, इन दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट एक्सीडेंट किस तरह से रिवाइव करना है, एमरजेंसी और प्री जो हमारे पास फर्स्ट एड प्रोसीजर्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी बड़ी जरूरी है। तो जो पहले हमने देखा था कौन कौन से इंसिडेंट्स हो सकते हैं, तो व्हाट इंसिडेंट्स, कौन कौन से इंसिडेंट्स हो सकते हैं जिनके लिए एमरजेंसी प्रोसीजर चाहिए। फायर इंसिडेंट हो सकता है, बम थ्रेट हो सकता है, स्पिलेज ऑफ केमिकल्स हो सकता है, रिलीज ऑफ टॉक्सिक गैसेस हो सकता है, सीवियर वेदर कंडीशंस हो सकता है, मल्टीपल कैजुअलिटी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, टेररिस्ट सिक्योरिटी इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये सारे इंसिडेंट साइट्स पे हो सकते हैं। तो इसके लिए इन सबको टैकल करने के लिए अप्रोप्रिएट एमरजेंसी प्रोसीजर्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, एमरजेंसी प्रोसीजर्स एंड अरेंजमेंट्स, दी फोर्सेबल एमरजेंसीज। तो जितनी भी एमरजेंसीज होती हैं ये फोर्सेबल होती है, कोई बंदा भी एमरजेंसी को अपने लिए इनवाइट नहीं करता, वंस एट सडन ये हैपन हो जाती हैं और बंदे को इनको फेस करना पड़ता है या प्लांट या मैनेजमेंट को इनको फेस करना पड़ता है। प्रोसीजर्स फॉर राइजिंग द अलार्म, ये देखा जाएगा कि एमरजेंसी में किस कंडीशन में अलार्म राइज करना है। मतलब एक छोटी सी फायर हुई है जिसको एक बंदा सिंपल फायर एक्सटिंग्विशर से एक्सटिंग्विश कर सकता है, तो उसके लिए प्लांट का पूरा फायर अलार्म सिस्टम जो है वो उसको ऑन नहीं किया जाता। तो प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं कि कब और किस कंडीशन में एमरजेंसी अलार्म जो है उनको साउंड करना है। प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड, जब एक मेजर एमरजेंसी हो गई है जैसा कि गैस रिलीज हो गई है, कोई फायर हो गई है, तो कौन कौन से प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, किस तरह से प्लांट से इवैक्यूएट करना है, कौन कौन से फर्दर इंस्ट्रक्शंस जो है उनको फॉलो करना है। उसके बाद सूटेबल एमरजेंसी इक्विपमेंट्स, एमरजेंसी में कौन कौन से इक्विपमेंट्स रिक्वायर होंगे जो कि सूटेबली जिनको यूज किया जाए ताकि एमरजेंसी के कॉन्सिक्वेंसेस को कम किया जा सके। रिस्पॉन्सिबल स्टाफ, कौन सा बंदा एमरजेंसी में रिस्पॉन्सिबल होगा, जैसा कि फायर वार्डन के तौर पे कौन एक्ट करेगा, एमरजेंसी रेस्क्यूअर कौन कौन एक्ट करेगा, या फिर फर्स्ट एडर के तौर पे कौन एक्ट करेगा। डीलिंग विद द मीडिया, मीडिया को किस तरह से डील किया जाएगा, मतलब कि वंस एट सडन न्यूज ब्रेक नहीं की जाती बल्कि मीडिया को प्रॉपरली डील किया जाता है ताकि कोई वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसिस जो है वो ना आए, पब्लिक रिएक्शन जो है उसको मिनिमल किया जा सके। नेक्स्ट इज कॉन्टैक्टिंग एमरजेंसी सर्विसेज, के एमरजेंसी सर्विसेज को किस तरह से कॉन्टैक्ट करना है और किस एमरजेंसी की सूरत में कौन से वाली एमरजेंसी सर्विस को कॉन्टैक्ट करना है, ये चीजें भी डिफाइन की जाती हैं एमरजेंसी प्रोसीजर्स में। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलेंगे, एमरजेंसी प्रोसीजर्स एंड अरेंजमेंट्स को ही हम कंटिन्यू करेंगे। द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू अरेंज कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, प्रॉपर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होने चाहिए इंक्लूडिंग लैंडलाइन एंड मोबाइल फोन्स। जैसा कि हमारे पास ऑयल एंड गैस के प्लांट्स हैं तो हर बंदे के पास अपना मोबाइल फोन वहां पे नहीं रहता,
तो बेसिकली क्या होता है, आईएस इंट्रिंसिकली सेफ मोबाइल फोन जो है वो प्रोवाइड करने होते हैं या लोकल लैंडलाइन फोन बूथ जो है वो प्रोवाइड करना होते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एमरजेंसी को मैनेज करने के लिए। अगर इफेक्टिवली टाइमली चीजें कम्युनिकेट हो जाएंगी तो वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस से बचा जा सकता है डेफिनेटली। कॉन्टैक्ट डिटेल्स नेशनल्स एंड लोकल नंबर्स जो है वो मेंशन होंगे ताकि प्लांट साइट की इमरजेंसी टीम को भी कॉल की जा सके और नियर बाई कोई लोकल इमरजेंसी अथॉरिटीज हैं तो उनको भी कॉल की जा सके। रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स विद नेसेसरी इंफॉर्मेशन, तो रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल यानी फायर फाइटर्स, फर्स्ट एडर्स, एमरजेंसी रेस्क्यूअर्स, इनकी अवेलेबिलिटी भी साइट पर होना बड़ी जरूरी है एमरजेंसी को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलेंगे, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग की बात करेंगे। एडिशनल ट्रेनिंग्स फॉर नॉमिनेटेड इंडिविजुअल्स ऑन देयर रोल्स इन द एमरजेंसीज, सेफ हैंडलिंग ऑफ एनी इक्विपमेंट। तो एमरजेंसी रेस्क्यूअर्स के लिए, एमरजेंसी फायर फाइटर्स के लिए या फिर फर्स्ट एडर्स के लिए ट्रेनिंग कंडक्ट करवाना, उनको इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एमरजेंसी प्रोसीजर्स शुड बी प्रैक्टिस्ड थ्रू ड्रिल्स एंड एक्सरसाइज। तो मॉक ड्रिल्स जैसा कि फायर इवैक्यूएशन ड्रिल्स करवाई जाती हैं, टॉक्सिक गैस रिलीज ड्रिल्स करवाई जाती हैं ताकि रिस्पांस टाइम, रिस्पांस हर्डल्स और देखा जा सके कि कितना इफेक्टिवली, कितने शॉर्ट टाइम में हम वहां से इवैक्यूएट कर सकते हैं, ताकि इन रियल सिनेरियो हमें पता हो कि इन केस ऑफ एमरजेंसी हमने किस तरह से रिएक्ट करना है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलेंगे, हम देखेंगे फर्स्ट एड रिक्वायरमेंट्स के बारे में। रिक्वायर्स एप्रोप्रिएट फर्स्ट एड प्रोविजन, जिसमें फैसिलिटी एंड अप्रोप्रिएट लोकेशन वेयर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कैन बी गिवन। मतलब कि ऐसा रूम, ऐसा कैबिनेट जहां पे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दी जाती है, दैट इज कॉल्ड फैसिलिटी। तो फर्स्ट एड प्रोविजन में हम देखेंगे कि कहां पे ये सेंट्रली लोकेटेड एक जगह होनी चाहिए जहां पे हम फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे सकें इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट, इंसिडेंट, इंजर्ड विक्टिम, वर्कर को हम वहां पे अप्रोप्रिएटली फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे सकें। नेक्स्ट इज इक्विपमेंट, सूटेबली स्टॉक्ड फर्स्ट एड किट्स एंड अदर इक्विपमेंट्स जो है वो अवेलेबिलिटी उसकी बड़ी जरूरी है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने के लिए। नेक्स्ट इज पर्सनल ट्रेंड फर्स्ट एडर्स, जैसा कि एमरजेंसी फर्स्ट एडर, एमरजेंसी ट्रेंड फर्स्ट एडर्स जो है वो साइट के ऊपर हर शिफ्ट में अवेलेबल होना बड़ा जरूरी है और ताकि वो टाइमली जो है वो एमरजेंसी ट्रीटमेंट्स देख सकें। तो ये बेसिक तीन रिक्वायरमेंट है, दैट इज फैसिलिटी, इक्विपमेंट एंड पर्सनल फॉर प्रोविजन ऑफ अप्रोप्रिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलेंगे, फर्स्ट एड फैसिलिटी और फर्स्ट एड इक्विपमेंट्स की हम बात करेंगे। तो फर्स्ट एड फैसिलिटी में सेंट्रली लोकेटेड एक्सेसिबल बाय एमरजेंसी सर्विसेज फैसिलिटी, मतलब कि फर्स्ट एड का रूम या कैबिन सेंट्रली लोकेटेड होना चाहिए, क्लीन एंड एडिक्वेटली हीटेड एंड वेंटिलेटेड एंड लाइट होनी चाहिए वहां पे, एंड हैंड वॉश फैसिलिटी, चेयर, क्लिनिकल वेस्टबिन, ये सारी चीजें जो माइनर होती हैं वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए। फर्स्ट एड इक्विपमेंट्स की लिस्ट हम देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एड किट होनी चाहिए जिसमें हम सारी चीजें रखते हैं, जो बॉक्स होता है उसको फर्स्ट एड किट बोलते हैं। आई वॉश स्टेशन, जिसमें एमरजेंसी अगर आंख में कुछ चला गया तो आंखों को वॉश करने के लिए आई वॉश स्टेशन वहां पे होना चाहिए। एमरजेंसी शावर, अगर किसी बंदे के ऊपर कोई केमिकल गिर गया तो नीचे खड़े होकर प्रॉपर रिंजिंग, वाटर रिंजिंग के लिए एक एमरजेंसी शावर जो है वो वहां पे अवेलेबल होना चाहिए। ब्लैंकेट्स, अगर किसी को हाइपोथर्मिया हुआ है या किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है, जिसको मतलब हाई कोल्ड एनवायरनमेंट में कोई बंदा आ रहा है तो उसको ब्लैंकेट्स वगैरह अवेलेबल होने चाहिए। स्प्लिंट्स, यानी कोई बोन फ्रैक्चर हो गई है तो उसको अलाइन करने के लिए हमारे पास स्प्लिंट्स होते हैं जो कि पॉलीमर के भी होते हैं, लकड़ी के भी होते हैं। जैसा कि किसी की बाजू टूट जाती है तो साथ में वो फूटे वगैरह रख के उसके ऊपर पट्टी कर देते हैं ताकि फर्दर डैमेज ना हो। इसमें हमारे पास एक्सटर्नल स्प्लिंट्स होते हैं और एनाटॉमिकल स्प्लिंट्स भी होते हैं। एनाटॉमिकल स्प्लिंट्स क्या होते हैं कि पर्सन के ही दूसरे बॉडी पार्ट को यूज करते हुए इमोबिलाइज कर देना। जैसा कि किसी बंदे की लेग फ्रैक्चर हो गई है तो दूसरी लेग के साथ रख के अगर उसको हम टाई कर देंगे तो डेफिनेटली वो भी एज अ स्प्लिंट यूज होगा, तो उसे हम एनाटॉमिकल स्प्लिंट कहेंगे। नेक्स्ट इज रिसासिटेशन इक्विपमेंट्स, के अगर किसी बंदे को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको रिसासिटेशन इक्विपमेंट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाए, जिसमें CPR दिया जा सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिफेब्रिलेटर एक डिवाइस होती है वो प्रोवाइड करना फर्स्ट एड किट में या फर्स्ट एड जो फैसिलिटी है वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए। स्ट्रेचर्स, मतलब बंदे को शिफ्ट करने के लिए गाड़ी से या मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए स्ट्रेचर्स चाहिए होते हैं। व्हीलचेयर, सिंपली व्हीलचेयर, मतलब कि वो भी किसी विक्टिम वर्कर को एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज करने के लिए, और अदर इक्विपमेंट्स एज रिक्वायर्ड या फिर इसके अलावा भी जो इक्विपमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द साइट एक्टिविटीज फर्स्ट एड किट में या फर्स्ट एड फैसिलिटी में अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलेंगे, फर्स्ट एड पर्सनल। द बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट एड इज टू कीप द इंजर्ड पर्सन अलाइव अंटिल प्रोफेशनल मेडिकल असिस्टेंट अराइव्स। तो बेसिकली फर्स्ट एड का मकसद क्या होता है कि जब तक एमरजेंसी सर्विसेज या एक्सटर्नल मेडिकल ट्रीटमेंट सर्विसेज जो है वो अवेल नहीं होती, तब तक बंदे के वाउंड को, बाकी चीजों को मैनेज करें। और इससे फायदा क्या होता है, बेसिकली देयर इज अ 3 P's, दैट इज प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट डिटोरियरेशन एंड प्रमोट रिकवरी।
अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ फर्स्ट एड, तो बेसिकली देर आर थ्री पीस, दैट इज प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट डिटोरियरेशन, प्रमोट रिकवरी, जान बचाता है, फर्स्ट ट्रीटमेंट। डेफिनेटली अगर किसी बंदे की ब्लीडिंग हो रही है, मैनेज नहीं करेंगे तो उसकी मतलब बंदा एक्सपायर हो सकता है। इसी तरह से प्रिवेंट डिटोरियरेशन, किसी के जख्म है अगर उनको ऐसे ही छोड़ेंगे, मट्टी धूल मक्खियां वगैरह बैठेंगी तो खराब हो जाएंगे, उसकी प्रॉपर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करके उसको कवर कर देंगे तो डिटोरियरेशन को प्रिवेंट करेगा। प्रमोट रिकवरी, अगर स्टार्ट में बंदे को अच्छे से मैनेज कर लिया गया, वाउंड मैनेज कर लिए गए हैं, ब्लीडिंग मैनेज कर ली गई है, तो उसकी रिकवरी स्पीड अप हो जाएगी। एंड टू ट्रीट माइनर इलमेंट्स एंड द रिक्वायर्स नो फर्दर मेडिकल हेल्प, अगर कोई छोटी मोटी चोट लगी है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो होती है वो अनफ होती है। नेक्स्ट एक ग्रुप एक्सरसाइज है, डिस्कस द इश्यूज दैट यू कैन नीड टू कंसीडर टू डिसाइड द लेवल ऑफ फर्स्ट एड कवर इन योर वर्क प्लेस। कौन कौन सी चीजें देख के हम फर्स्ट एड कवर को डिसाइड करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें मतलब कि हम इसमें कर सकते हैं। डेफिनेटली वर्क एरिया कितना है, मैन पावर क्या है, कौन कौन से साइट पे हैजर्ड्स हैं, प्रीवियसली इंसिडेंट एक्सीडेंट्स किस तरह के हो रहे हैं, वर्कर्स को किस तरह की चोट लग रही है, मेडिकल सर्विसेज, एक्सटर्नल मेडिकल सर्विसेज कितनी दूर है। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी बिल्कुल शहर के पास है तो नॉर्मल फर्स्ट एड फैसिलिटी भी चल जाएगी बिकॉज नियर बाई हॉस्पिटल्स अवेलेबल है। अगर कंपनी रिमोट एरिया में है तो वहां पे हमें फर्स्ट एड अरेंजमेंट्स अच्छे चाहिए होंगे बिकॉज ट्रैवलिंग टाइम ज्यादा है। तो इन सब चीजों को, एरिया स्प्रेड कितना है, शिफ्ट टाइमिंग्स क्या है, ये सारी चीजों को हम मद्देनजर रखते हुए फर्स्ट एड अरेंजमेंट्स जो है वो करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, फर्स्ट एड पर्सनल को हम डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ट्रेन्ड पर्सनल, अपॉइंटेड पर्सन नो आर बेसिक ट्रेनिंग्स ओनली। ऐसा बंदा जिसके पास सिर्फ थोड़ी सी ट्रेनिंग हो या मतलब एक दो दिन की उसको ट्रेनिंग करवाई है, उसे हम अपॉइंटेड पर्सन कहते हैं। या एमरजेंसी फर्स्ट एडर एंड फर्स्ट एडर, जिसे हम EFW या FW भी बोलते हैं, फर्स्ट एड ट्रेनिंग्स जो है वो अटेम्प्ट की हो किसी बंदे ने, तो वो भी साइट के ऊपर हम इंप्लीमेंट करवाते हैं। तो अब हम जो पीछे हमने डिस्कस किया था कि व्हाट अरेंजमेंट्स, जब किन किन चीजों को देखते हुए हम फर्स्ट एड अरेंजमेंट्स करेंगे, कवरेज विल डिपेंड्स ऑन फर्स्ट एड कवरेज, किन किन चीजों को हम देखते हुए अरेंज करेंगे, द जनरल रिस्क लेवल ऑफ द वर्क प्लेस, द हैजर्ड्स प्रेजेंट इन द वर्क प्लेस, एक्सीडेंट हिस्ट्री ऑफ द वर्क प्लेस, वल्नरेबल पर्सन कितने हैं साइट के ऊपर, द नंबर ऑफ वर्कर्स, द पैटर्न्स ऑफ शिफ्ट्स एंड सिस्टम, वर्क प्लेस लोकेशन, साइट्स एंड स्प्रेड ऑफ द वर्क प्लेस, ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने वन बाय वन डिस्कस कर ली हैं। इनको देखते हुए हम फर्स्ट एड अरेंजमेंट्स करेंगे किसी भी वर्क साइट के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, ग्रुप एक्सरसाइज है, व्हाट फैक्टर्स वुड यू कंसीडर्ड व्हेन सिलेक्टिंग इंडिविजुअल्स टू बी अ फर्स्ट एडर। अब देखिए साइट के ऊपर जो वर्किंग क्रू होता है उन्हीं में से कुछ बंदे की फर्स्ट ट्रेनिंग करवा दी जाती है ताकि हर ग्रुप के साथ एक फर्स्ट एडर जो है उसको अपॉइंट किया जा सके। डेफिनेटली हम सेपरेटली फर्स्ट एडर्स को हायर करके, बिकॉज रोज कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा था, रोज बंदे इंजर नहीं हो रहे होते, तो इसके लिए स्पेसिफिकली बंदे हम हायर नहीं करते बल्कि उसी ग्रुप में से हम बंदों की ट्रेनिंग्स करवा देते हैं। तो कैसा बंदा सिलेक्ट करना है फर्स्ट एड ट्रेनिंग्स के लिए, सबसे पहले रिलायबल, काम एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ऐसा बंदा जो रिलायबल हो, काम कूल रहने वाला हो और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज एमरजेंसी सर्विसेज को आपने कम्युनिकेट करना चीजों को, तो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर होती है। अवेयर ऑफ ओन लिमिटेशंस एंड ऑफ ट्रेनिंग्स, उसकी ट्रेनिंग्स में जो चीजें बताई गई, देखे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में जस्ट चीजों को मैनेज किया जाता है, कोई फर्दर ट्रीटमेंट जैसा कि मेडिकेशन या फिर इंजेक्शन या कुछ ड्रिप वगैरह नहीं लगाई जाती। तो जो चीजें उसको लिमिटेशन जो बताई गई है, सिर्फ उन्हीं को ही वो, जो बताया गया सिर्फ वही फर्स्ट एड ट्रीटमेंट वो प्रोवाइड करेगा। एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यू नॉलेज एंड लर्न, डेफिनेटली ऐसा बंदा जो ट्रेनिंग में नॉलेज को एब्जॉर्ब कर सके, जिसका बेसिक एजुकेशन अच्छी हो, उसको हम ट्रेनिंग्स करवाएंगे। एबिलिटी टू कोप विद स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, ऐसा बंदा जो कि किसी भी, जैसे किसी बंदे को ब्लड फोबिया है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन को बेयर नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली हम उसकी फर्स्ट एडर की ट्रेनिंग नहीं करवाएंगे। नेक्स्ट, एबल टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबल बंदा होना चाहिए बिकॉज फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना किसी बंदे की लाइफ का रिस्क, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग चीज है, तो डेफिनेटली एक बंदा जो रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल हो उसकी हम फर्स्ट एड ट्रेनिंग करवाएंगे। फिजिकली फिट इनफ, बिकॉज जो विक्टिम है उसको स्ट्रेचर पे रखना है, गाड़ी में रखना है या उसको करवट देनी है, तो डेफिनेटली उसके लिए फिजिकली फिट बंदा चाहिए होता है। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन ऑफ द नीड ऑफ फर्स्ट एडर कंसिडरिंग जेंडर्स, डेफिनेटली अगर साइट के ऊपर फीमेल वर्कर्स भी हैं तो फीमेल फर्स्ट एडर भी होना चाहिए और मेल फर्स्ट एडर भी साइट के ऊपर अवेलेबल होना चाहिए। मस्ट बी एबल टू रिलीज फ्रॉम द नॉर्मल ड्यूटीज टू अटेंड द इंसिडेंट, ऐसा वर्कर की फर्स्ट एड ट्रेनिंग करवानी चाहिए जिसको ईजीली ड्यूटी से जो है रिलीज किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल वेल्डर जो वर्कर्स होते हैं, जब वो वेल्डिंग ज्वाइंट स्टार्ट कर लेते हैं तो जब तक वो उसे कंप्लीट नहीं करते वो अपनी एक्टिविटी को स्टॉप नहीं कर सकते। तो ऐसे बंदे की अगर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करवा देंगे तो डेफिनेटली वो अपने काम को नहीं छोड़ सकेगा। तो कोई स्टैंड बाई मैन है, सुपरवाइजर है या कोई और इंडिविजुअल वर्कर्स है जिसको ईजीली रिलीज किया जा सके उसकी नॉर्मल रूटीन जॉब से, उसकी हम फर्स्ट एड की ट्रेनिंग करवाएंगे। तो ये हमारे पास एलिमेंट 3.8 यहाँ पे हमारा जो है वो कंप्लीट होता है।
चैप्टर 3 या एलिमेंट 3 टोटली हमारे पास एलिमेंट 1 से एलिमेंट 8 तक इस वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो लेक्चर नंबर 17 में हम एलिमेंट 4 जो कि लास्ट एलिमेंट है निबोश आईजीसी आईजी1 लेक्चर सीरीज का, इसको स्टार्ट करेंगे और इसमें हम एक्टिव मॉनिटरिंग, रिएक्टिव मॉनिटरिंग, सेफ्टी इंस्पेक्शन, सेफ्टी सैम्पलिंग और सेफ्टी टूअर्स को कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, इफ यू आर लर्निंग something about NEBOSH IGC IG1 and getting good knowledge from these videos, do comment on the videos and also subscribe to the channel. Once again, thank you very much.